Balbir Sudan Sahab, DPO Jammu, ZDPO Sahab, and is school ke higher secondary school Bhalwal ke principal Dr. Kishore, yahan unki team aur pyare bachcho. Jab is school mein maine enter kiya subah, to ek bahut positive vibrations aayi, bahut achhi si feeling aayi, jo ki main admit karungi ki normally जब मैं किसी स्कूल में जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑफिस में काम रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहते हैं, तो फील्ड में मैं बहुत जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पाती हूँ. तो जब कभी किसी ज़रूरी किसी स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है तो जनरली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है और जब मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो फीलिंग इज नॉट वेरी प्लेजेंट व्हेन आई गो टू अ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल. बट इस स्कूल में जब मैंने एंटर किया तो बहुत अच्छी फीलिंग, आते ही एंटर करते ही पहली फीलिंग जो थी बहुत प्लेजेंट फीलिंग थी. और जब मुझे डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने गाइड किया टुवर्ड्स हर्बल गार्डन, जो बोटेनिकल गार्डन इन्होंने बनाया है, तो आई वॉज अगेन इन फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज कि इतना खूबसूरत बनाया है. बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स मैंने देखे, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स भी हैं, बट इस गार्डन में जो मैंने खासियत देखी कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे सब घर के लोगों ने, फैमिली ने मिलके अपने ड्राइंग रूम को सजाया हो या अपने घर के गार्डन को सजाया हो. एस्थेटिक्स का ध्यान रखा गया है, बोटेनिकल इम्पोर्टेंस के और हमारी एवरीडे लाइफ के कौन से प्लांट्स हैं उसका ध्यान रखा गया है, कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा गया है. खूबसूरत तो है ही, जैसे मैंने कहा एस्थेटिकली बहुत ही खूबसूरत बनाया है. पॉन्ड बहुत सुंदर लगा मुझे कि सोचा इस बारे में कि इसमें पॉन्ड होना चाहिए, उस पॉन्ड को जिस तरीके से सुंदर बना सकते थे वो बनाया है. और वो जो वुडन पीसेस मैंने देखा, किस तरह से वो टूटे हुए पेड़ों को कितना खूबसूरत शक्ल देके उसको बनाया है. तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देके एक बहुत साधारण सी चीज को असाधारण बना सकते हो, एक ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हो. किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक कैजुअल तरीका होता है और एक डेडिकेटेड पैशनेट तरीका होता है. तो आप अपनी एवरीडे लाइफ में जो भी काम करें, आप ये सीखें यहां से अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल साहब से, कि कैसे अपने एक छोटा सा जो भी काम आपको दिया जाए उसको इस तरीके से करो कि उस पर आपकी छाप नजर आए, एक अलग स्टैंप नजर आए कि हमने ये काम किस तरीके से किया है. मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी डॉक्टर किशोर को और उनकी टीम को, और मैं यहाँ टीचर्स से भी मिली, सब बहुत डेडिकेटेड टीचर्स की टीम है उनके पास, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे सबसे मिलके. और उसी प्यार से उसी मोहब्बत से उन्होंने बाकी चीजें भी, जैसे आईसीटी लैब डॉक्टर साहब को ज्वाइन किए हुए 3 महीने हुए हैं. तो ये एक बहुत शाइनी एग्जाम्पल है इस बात का और ये प्रूफ है इस बात का कि अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चाहे तो वो अपने स्कूल को इतना अच्छा बना सकता है जैसे कि वो अपने घर को सजा रहा हो, अपने घर का ध्यान रख रहा हो, उसी तरह से वो अपने स्कूल को कर सकता है. एंड ही हैज प्रूव्ड इट बियॉन्ड एनी डाउट. और डायरेक्टोरेट के बिहाफ पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, आई अश्योर हिम कि हमसे जो भी हो पाएगा वो हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे. कुछ एक चीजें मैंने नोट की है, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही स्मार्टली बहुत स्मार्टली मुझे इनवाइट किया इस फंक्शन पे, और फिर उसके बाद एक 3-4 पन्नों का एक फोल्डर मुझे दिया जिसपे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, और एक पेज आहिस्ता से साथ में ये डाल दिया कि क्या क्या और चाहिए. तो वेरी स्मार्ट ऑफ हिम, गुड. तो मैं कोशिश करूंगी कि इन्होंने जो जो चीजें पॉइंट आउट की हैं, वी विल हेल्प हिम गेट द फंड्स फॉर दैट, कहां से कैसे मैनेज हो सकते हैं वो करेंगे. और
मैं ये मानती हूँ कि ये जो स्कूल है बहुत आने वाले बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन की तरह इमर्ज होगा इस पूरे एरिया में। और आप सब लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो सब बच्चे सब टीचर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर किशोर गाइडेड बाय चीफ एजुकेशन ऑफिसर डीईपीओ साहब जेडीपीओ साहब ये सब इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनेंगे और थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले लूंगी। तो दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो एग्जाम्स की तरफ आपने पूरा ध्यान देना है। हर बच्चे का प्रिपरेशन का एक पर्टिकुलर स्टेज होगा, किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, किसी से तैयारी नहीं हो पाई होगी, किसी ने बिल्कुल ही कोई तैयारी नहीं की होगी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी बड़ी नालायक स्टूडेंट थी, मैं भी रात को भी पढ़ती थी एक रात पहले। तो जो भी आपकी तैयारी है जैसे भी है उसको आपने आज से ही और इम्प्रूव करना शुरू करना है। ये मान के चलना है कि एक एक पल का जो आपका एक्स्ट्रा डिवोशन आप दोगे अपने एग्जाम्स के लिए अपनी पढ़ाई के लिए तो आपका एक एक नंबर और बढ़ेगा, हर चीज में आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो आपको अभी पूरा फोकस करना है आने वाले एग्जाम्स में। आई एम श्योर डॉक्टर किशोर एंड हिज टीम मस्ट हैव हेल्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस, अगर नहीं किए हैं तो वो कर लें, डाउट क्लियरिंग सेशंस अनाउंस कर दें और बच्चों को जिसको कोई भी कोई डाउट है किसी चीज में। मैं बच्चों से एक बात ये एक अपील करना चाहूंगी हर बच्चे से कि कभी भी कोई सवाल पूछने से अपने टीचर से कोई सवाल पूछने से पीछे मत हटना। अगर आपको ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही बेवकूफी वाला सवाल पूछने जा रहे हो कि सब बच्चे हंसेंगे, हंसने दो, टीचर गुस्सा करेगा, करने दो, लेकिन सवाल पूछो। सवाल पूछोगे तो तभी सीखोगे। तो बच्चों के लिए ये और टीचर्स यहाँ के जो जितने भी टीचर्स हैं बल्कि इन जनरल आई कीप टॉकिंग टू द टीचिंग फ्रेटर्निटी एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कीप ऑन एनहेंसिंग योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। टीचर हमेशा सीखता है, टीचर वो होता है जो हमेशा अपने आप को अपडेट करता है, हमेशा जिस भी लेवल ऑफ लर्निंग पे आप हो उससे अपने आप को आगे बढ़ाओ। अगर आप ये सोचते हो कि अपने पीजी कर लिया, आपने पढ़ाई कर ली, आपको टीचिंग जॉब मिल गया और दैट्स द एंड ऑफ इट, नो इट्स नॉट दैट। आपको नए नए जो आपके फील्ड में एडवांसमेंट हुई है, जो जो नए नए डेवलपमेंट्स हुई हैं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उससे क्या होता है, नॉलेज इज पावर। तो आपके पास जब नॉलेज होती है तो आप पावरफुल फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपका इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट में, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होता है और फिर वो प्यार आपका ट्रांसलेट होता है अपनी क्लासरूम में और आप बच्चों को उतने ही प्यार से उतनी ही डेडिकेशन से इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे। टीचर का इंटरेस्ट जो होता है वो इंफेक्शियस होता है, अगर टीचर इंटरेस्ट ले रहा है तो बच्चों को अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कीप ऑन एनहांसिंग योर स्किल्स, बट इन जनरल यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बधाई, शुभकामनाएं और बच्चों को बहुत सा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। मैडम अनुराधा गुप्ता जी, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, यहाँ के प्रिंसिपल साहब शर्मा साहब, फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के इस गुलशन के प्यारे फूल, मेरी मुराद यहाँ के बच्चों से। मैं आज एक बात मैम से शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब से एजुकेशन ज्वाइन किया, इससे पहले मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में था, तो मेरे माइंड में जब से मैं ऑफिस में बैठा हूँ मुझे ये लग रहा था कि शायद ये ट्रांसफर और पोस्टिंग से आगे नहीं है कुछ, क्योंकि मुझे टीचर्स का मोस्टली वहां ही लगा एक कि शायद इसी के लिए ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा फेल हैं। बट दैट नोशन हैज प्रूव्ड रॉन्ग टुडे इटसेल्फ। जब इस कैंपस में मैं शामिल हुआ, देखा मैंने, इट्स रियली आउटस्टैंडिंग। मुझे लगा कि यहाँ का स्टाफ और जो बच्चे हैं दे आर रियली वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट।
almost they have touched every subject which is the need of day and which is the requirement of future as well. यहाँ का बोटेनिकल गार्डन, आईसीटी लैब, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आज के बच्चों का एक फ्यूचर सिटीजन बनाने के लिए उनकी रिस्पांसिबिलिटीज को ऑलरेडी उनके माइंड में डाल दिया गया है. यस, दीज आर द बर्निंग इश्यूज विच यू आर गोइंग टू फेस टुमारो. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि फ्यूचर में जितना भी हमारे इंटरेक्शन है, जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है, ये टोटल पेपरलेस है. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, दिस इज ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड दैट. मैं रियली कंप्लीमेंट करता हूं इस पूरे इंस्टीट्यूशन को, यहाँ के स्टाफ को, दैट दे हैव टेकन अ बोल्ड इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग सच एक्टिविटीज बिसाइड जनरेटिंग एन अवेयरनेस टुवर्ड एनवायरमेंट. मैंने देखा है बड़ी खूबसूरती के साथ आपने प्लांट्स लगाए और उनके बोटेनिकल नेम्स, जो शायद हम जाके कहीं हाई सेकेंडरी लेवल पर हमें पता चला था कि बोटेनिकल नेम्स क्या होते हैं. ये आप सारे फॉर्चुनेट हैं आप बच्चे. मैं ज्यादा आपका वक्त लेते हुए मैं यही कहूंगा, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, खासकर बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, आप मेहनत ज्यादा कीजिए, किताबों से बाहर भी निकलने की जरूरत है. जो आपके टीचर साहिबान आपको दिखा रहे हैं, आप उसको समझें और अपने पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करें, घर जाके उनसे इंसिस्ट करें कि जो भी एक्टिविटीज आपको टीचर देते हैं उस पर आप पूरी मेहनत करें घर जाके भी. यहाँ का आपको ये जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, इसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने यूज करना है. जैसे एनवायरनमेंट अवेयरनेस यहाँ पे चल रही है, गार्डन या प्लांट्स जो भी आप यहाँ करते हैं, अपनी सोसाइटी और अपने घर में भी ऐसा करना है. हम देखते हैं कि हमारे शहर आज गंदे क्यों हैं, हमारे मोहल्ले गंदे क्यों हैं. रीजन यही है कि हमें शायद उस लेवल पे एजुकेशन नहीं थी. हम लिटर कहीं भी करते हैं, हम कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं. आपने अपनी सोसाइटी में भी ये मैसेज देना है कि यस, हम अगर स्कूल में ये कर रहे हैं तो हमें घरों में भी ये इम्प्लीमेंट करना है. बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े आदरणीय तरीके से अपने पड़ोसियों को कहना है, अपने घर में कहना है कि हमें ऐसे हर जगह गंद नहीं फैलाना है, प्लास्टिक को अवॉइड करना है और ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करने हैं. इसके अलावा भी मुझे जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे जो आपने यहाँ अभी प्रेजेंटेशन बच्चों ने की, ये भी बहुत अच्छा मैसेज है. मुझे लगता है कि ये भी इन फ्यूचर बहुत दूर तक जाएगा. मैं इसके साथ ही एक बार फिर यहाँ के स्टाफ, यहाँ के बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट देता हूँ और मैं इस आशा के साथ यहाँ से जाता हूँ कि अगले आने पर नेक्स्ट आपका प्रोग्राम होगा इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा होगा. थैंक यू.